विश्व क्षय सप्ताह के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कन्नौज अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र ननासा के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में शपथ विधि समारोह और कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीएमओ डॉक्टर लोकेश मीणा द्वारा टीबी की बीमारी एवं इलाज के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया तथा सभी को टीबी हारेगा देश जीतेगा इस संबंध में शपथ दिलाई गई। प्रभारी बीई दिनेश साहू द्वारा टीबी की बीमारी के बारे में जागरूकता हेतु एवं टीकाकरण संबंधित छात्राओं को जानकारी दी। एसटीएस नरसिंह उइके के द्वारा टीबी की बीमारी के उपचार की संपूर्ण जानकारी दी गई। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अंकुर शर्मा द्वारा धूम्रपान व तंबाकू से होने वाले रोगों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में छात्रावास की समस्त छात्राओं की उपस्थिति में प्रशंसनीय रही कार्यक्रम का संचालन एसटीएलएस दिनेश शर्मा द्वारा करते हुए इस शपथ को महाभारत के एक प्रसंग से जोड़कर शपथ के महत्व को बताया गया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। सर, साउदी हमारे एसटीएस मजसी मुल्के जी, एसटीएलएस दिनेश शर्मा जी, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अंकुर जी, हमारी एनएम दीदी सीधा सिस्टर और हॉस्टल की जो भी हमारी वार्डन है वो और सभी बच्चों, आज हम जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं वो बेसिकली सबसे ज़्यादा टीबी से संबंधित है। टीबी तपेदिक जानते हैं सभी लोगों ने, उसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें बता दी है कि होती कैसे है, पर हमारा मकसद बच्चों को समझाने का ये है कि ये बच्चे जाके जहाँ जहाँ के बच्चे हैं, हॉस्टल में सभी जगह के बच्चे होंगे, गाँव से सभी इधर उधर के गाँव से आए, सब अपने अपने गाँव में जाएँ और बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करें। सबसे पहले अपने घर को जागरूक करें, जैसा अभी थोड़ी देर पहले शर्मा जी ने बताया कि जितने बीड़ी पीने वाले या घर में कोई भी अगर बीड़ी सिगरेट पीने वाला है तो उनको समझा देते, एक बार में नहीं मानेगा, दो बार में नहीं मानेगा, चार पांच बार बोलोगे तो हो सकता है उसको समझ में आए। अगर 100 में से 50 लोगों की आपने बीड़ी अगर छुड़वाई तो एक बड़ा अचीवमेंट रहेगा, इतने लोगों को आपने बचाया है ना। तो अपने को अपने समाज में जाके, अपने घर में जाके, अपने गाँव में जाके लोगों को जागरूक करना है इस बीड़ी या तंबाकू से क्या नुकसान होता है। इसके साथ ही टीबी के बारे में अपने को जागरूक करें। टीबी के लक्षण अभी सारे बता दिए, 7-8 की बुखार आता है, हल्का बुखार रहता है, शाम को रहता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।